हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी कार ब्लॉग्स में। तो आज ये वीडियो होने वाली है फ्रॉन्क्स की एक्सेसरीज़ के लिए। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ आप ऐड ऑन करा सकते हैं गाड़ी में। फ्रंट पर अगर अपन बात करें फ्रंट प्रोफाइल पर, तो इस पर फ्रंट पर इस पर ऐड ऑन कर रखी है हेडलैम्प क्रोम। ये अपना मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है, इसके नीचे यहाँ पर हेडलैम्प क्रोम गार्निश एक ऐड ऑन कर दी है। इसके बीच में ब्लैक कलर का पार्ट है और आउटर साइड में आपको क्रोम कलर का आपको इसमें मिल जाता है। ऐड ऑन कर रखा है स्किड प्लेट है, रेड एंड ग्रे कलर में ये पार्ट है। ये इसका लुक है, ये फ्रंट स्किड है। ये अपना ब्रेकर्स वगैरह में कई बार गाड़ी अगर टच होती है नीचे तो ये उससे ही बचाता है और गाड़ी का लुक भी एनहांस करता है। फ्रंट पे तो इसमें इतनी एक्सेसरीज ऐड ऑन कर रखी है। अब इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड पे इस पर ऐड ऑन कर रखे हैं ORVM क्रोम है, जो अपने इंडिकेटर के पास लगे हुए होते हैं, जो अपना स्क्रैचेस वगैरह बचाते हैं। साइड मिरर पर कई बार स्क्रैचेस लग जाते हैं तो वो ये बचाएंगे। प्राइसिंग इसकी आपको इसमें नीचे आपको दिखाई देगी, रिफ्लेक्ट करेगी सारे प्राइस। वह है डोर वाइजर सेट क्रोम कलर में, क्रोम फिनिश में, ये ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में आपको मिल जाता है। ये फोर डोर में लगेगा। नेक्स्ट एक्सेसरीज इसमें ऐड ऑन कर रखी है हैंडल क्रोम है, क्रोम पार्ट पूरा क्रोम फिनिश में। ये किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है, ये आप किसी भी वेरिएंट में लगा सकते हैं सिग्मा से लेकर अल्फा तक में। एंड नेक्स्ट एक्सेसरीज इसमें ऐड ऑन कर रखी है बॉडी साइड मोल्डिंग है पूरी, पूरा काफ़ी बड़ा सा पार्ट है पूरा। कई बार दरवाज़ा वगैरह कोई दूसरा बंदा खोल रहा होता है तो बॉडी पर टच ना हो तो ये उसके पर्पज से लगाया जाता है। और कई बार गाड़ी अगर डिवाइडर वगैरह के पास है तो ये पूरा डिवाइडर को बचाता है। तो ये क्रोम एंड ब्लैक कलर मैट फिनिश में आपको ही मिल जाता है। नीचे की क्लाइडिंग गाड़ी में लगी हुई आती है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आपको यहाँ से ऊपर का पार्ट एक्सेसरीज में आता है। ये तो होगी बॉडी क्लाइडिंग पार्ट पूरी, साइड मोल्डिंग विद क्रोम प्लस में कार्बन फिनिश में। और यहीं पर इसके नीचे के साइड में स्किड प्लेट लगी है, साइड स्किड प्लेट पूरी, ये वाला पूरा पार्ट है इसका। काफ़ी जो लुक है ग्रे कलर में दे रखा है और डॉटेड डॉटेड बीच में दे रखे हैं, जो ये भी साइड पैनल्स वगैरह बचाता है और गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक बनाता है। ये तो हो गया इसका साइड प्रोफाइल, चलते हैं अपन पीछे इसके बैक प्रोफाइल में, देखते हैं बैक में क्या लगा रखा है। ये इसका रियर व्यू है, रियर में आपके इसमें ऐड ऑन कर रखे हैं यहाँ पे स्किड प्लेट, जो यहाँ पे भी आपको काफ़ी यूनिक लुक मिलेगा इस बार। जैसे बलिनो वगैरह के नॉर्मल प्लेन आते थे, इसका काफ़ी यूनिक लुक कर रखा है कंपनी ने। यहाँ पे आउटर लाइनिंग रेड कलर में दे दी है, साथ में ये अलग अलग पार्ट काफ़ी अच्छे स्पोक टाइप के निकाल रखे हैं। पूरा ये पैनल नीचे तक का अटैच होता है, जैसे कोई भी ब्रेकर्स वगैरह में लगे तो स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, बॉडी पार्ट पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, इसी पर जो होगा इसी पर होगा। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और एक पार्ट ये क्रोम का लगा रखा है, बैकडोर गार्निश है, पूरा क्रोम का पार्ट रहेगा। सेंसर्स गाड़ी में बेस मॉडल से लेकर टॉप में सब में लगे हुए आते हैं। इसमें एक चीज एक्सेसरी ऐड ऑन कर रखी है बूट मैट, जो काफी अच्छी क्वालिटी का है, 3D वाला रहेगा। कुछ भी लिक्विड वगैरह आइटम हो वो गाड़ी के नीचे फ्लोर पे नहीं गिरेंगे, जो भी क्योंकि इसके नीचे होता है कारपेट बेस, जो साफ करने में आसानी नहीं होती, इसको नीचे गीला कपड़ा मारो साफ होता है। एक पार्ट ये ऐड ऑन कर रखा है, इसका प्लेट है डोर सिल गार्ड, जिसमें लाइट भी जलती है और स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते हैं गाड़ी में। पैर वैर से यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट गंदा हो जाता है, तो ये फोर डोर में आपको लगा हुआ मिलेगा। ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी इस गाड़ी में ऐड ऑन कर रखे हैं। ये वाला देखिए, अब चारों दरवाजे पर रहेगा और साथ में इसमें आप देख रहे हैं फुट मैट हैं, 3D फ्लोर मैट रहते हैं, जो गाड़ी के अकॉर्डिंग ही एक मारुति देती है। ये भी आप एक एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी आप इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। एक्सटीरियर में सिर्फ अभी यही दो ही आइटम इसमें ऐड ऑन कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉन्क्स की एक्सटीरियर की एक्सेसरीज। आपके लिए पूरा कॉम्बो पैकेजेस वगैरह लेके आऊँगा कि इसमें कौन से, जिसमें आपको डिस्काउंटेड पैकेज मारुति की साइड से मिलते हैं। ये मारुति की ऑथराइज एक्सेसरीज है, जो आप अपनी गाड़ी में ऐड ऑन करा सकते हैं और अपनी गाड़ी को काफ़ी अच्छा यूनिक लुक दे सकते हैं।
तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।